नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने अपनी धर्मपत्नी के साथ कालाडूंगी विधानसभा अंतर्गत राजकीय प्राथमिक विद्यालय खेमपुर में मतदान किया। मतदान करने के बाद प्रकाश जोशी ने कहा कि आम जनमानस परिवर्तन का मन बना चुका है, परिणाम की मात्र औपचारिकता शेष है। जनता जनार्दन वर्तमान व्यवस्था से त्रस्त है, जैसे अंकिता भंडारी, बेरोजगारी, अग्निवीर, बढ़ती महंगाई आदि के खिलाफ महिलाएं, युवा, प्रत्येक वर्ग एकजुट होकर परिवर्तन लाकर खुशहाल रहना चाहता है। देखिए, मैं तो हमारे पूरे संसदीय क्षेत्र के, बल्कि मैं तो कहूंगा पूरे जहां जहां वोट हो रहे हैं, जहां आज मतदान है, सभी क्षेत्रों के जागरूक मतदाताओं से मैं अपील करना चाहूंगा। ये लोकतंत्र का बहुत बड़ा पर्व है, देश की सत्ता बदलने का, सरकार बदलने का नहीं, मैं कहूंगा ये देश की तकदीर बदलने का एक नई कहानी लिखने का पर्व होता है। और अधिक से अधिक संख्या में 100% लोग घर से बाहर निकलें और भारी मतदान करें और इस पर्व को सफल बनाएं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।